नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु आचार्य। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको सबको पता है कि बाबा सिद्दीकी जी की गोली मार के हत्या कर दी गई, लेकिन मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये मीडिया वाले हैं। फिर से मैं उस इंसान का नाम नहीं लूंगी, क्यों इतना बड़ा चढ़ा कि हर चैनल पे उसको हीरो बनाया जा रहा है। ये सच में मेरी समझ से बाहर है। और कुछ एक चैनल्स में पूरा बताया जा रहा है कि उसके 7 ग्रुप है, 700 हिस्ट्री शूटर है उसके पास में, उसका पूरा पैटर्न क्या है, जो कि एक जमाने में दाऊद इब्राहिम भी ऐसे ही अपना सरगना पूरा चला रहा था और आगे आया था। तो इतना सब जब मीडिया को पता है तो क्या हमारे कंट्री की पुलिस को नहीं पता होगी? या तो इस तरह की न्यूज या ऑपरेशंस को मीडिया को दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर कोई पकड़ा गया है तो जरूरत क्या है अभी आपको जनता को बताने की, क्योंकि जनता के साथ साथ वो सारे आरोपी भी आपका चैनल देख रहे हैं। और पता नहीं, मुझे एज ए सिटीजन, एज ए व्यूअर, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आपकी जो भी पर्सनल चीजें हैं, प्राइवेट चीजें हैं, आप खुद मीडिया वाले उनको पब्लिकली बता रहे हैं। अभी ये वहां गए, अभी ये वहां जा रहे हैं, अभी यहाँ पे इतना पुलिस तैनात कर दिया है, तो आप खुद उनको दिखा रहे हैं कि भाई इतनी इतनी सिक्योरिटी है, बाकी तुम समझ लो, क्योंकि आप खुद ही बता रहे हैं कि वो कितना शातिर है और कितना क्रिमिनल माइंडेड है, जो कि साबरमती जेल में रह के ये सारे जो भी हो रहा है उन सबको वो अंजाम दे रहा है। तो इसका सीधी और बहुत क्लियर सा बात है कि वो बॉम्बे पे अपना धाक जमाना चाह रहा है। तो हम उसको इतना ज्यादा आगाह करके क्या हम लोग सही कर रहे हैं? ये मेरा सवाल आप सबसे है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक समझदार, मैंने बाहर की भी बहुत सारी कंट्रीज में देखा है, जब सब चीज हो जाता है तब वो लोग बताते हैं। हमारे यहाँ तो हर चीज आप उसको दिखा रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि सामने वाला सचेत हो जाएगा? सिर्फ एक टीआरपी के लिए क्या हमें ऐसा करना उचित है? क्या ये रिस्क नहीं है भारत देश के लिए? ऑलरेडी इतना बड़ा थ्रेट अगर आ रहा है कि अगेन उस शख्स का नाम मैं लेके मैं मेरे चैनल पे उसको फेमस नहीं करना चाहती हूँ, कि वो शख्स साबरमती जेल में बैठ के इतना सारा चीज कर ले रहा है, तो हम क्यों नहीं सीधे सीधे जाके उसको पकड़ते हैं या उसके खिलाफ एक कदम उठाते हैं कि इस केस को यहीं पे खत्म कर दें? हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? हमेशा भारत में यही एक बहुत सबसे बड़ा दुख की बात है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है, उस पर हम 4 से 5 दिन 10 दिन जब तक हमको टीआरपी मिलती है हम चलाते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता। छोटी उम्र के बच्चे गाड़ी चला के एक्सीडेंट कर देते हैं, अगेन 5-10 दिन उसका केस चलता रहता है मीडिया पे, और वो जाता है, फिर वो कब परी हो कि बाहर आ जाता है, उस केस का कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। तो ये सच में बहुत दुख की बात है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं इसके लिए गवर्नमेंट को दोषी दूं या खुद हम लोगों को दोषी दे, क्योंकि हम लोग खुद कभी सवाल तो जनता करती नहीं है, क्योंकि जनता के पास, अगेन पब्लिक के पास टाइम नहीं है। जब तक खुद पे मुसीबत नहीं आती है तब तक कोई जागृत नहीं होता है। लेकिन ये सच में बहुत ही दुख की बात है और बहुत चिंताजनक स्थिति है अभी कि बॉम्बे को फिर से वो गैंग गुटों में बांटना, मुझे नहीं समझ आ रहा है। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन कि कहां से उसको हथियार मिलते हैं, पूरे जिले के नाम के साथ वो बता रहे हैं कि हरियाणा में, बिहार में, मुंगेर जिला, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मीडिया वालों के पास है तो क्यों पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे, ये मेरा सवाल है। और रहा सवाल सलमान खान जी का, डेफिनेटली उनकी सिक्योरिटी बढ़ गई है, वो ऑलरेडी अभी एक दुख से उभरे नहीं है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी डेफिनेटली उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। सलमान सर के लिए हम सब प्रे करेंगे कि कुछ भी नहीं होगा उनको, एंड आई ट्रूली बिलीव टू नाउ बॉम्बे पुलिस की इतनी सिक्योरिटी के बाद जिस तरह से बाबा सिद्दीकी जी को हुआ है, सलमान खान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो। उनकी पूरी फैमिली के लिए, मैं, मेरी इंटायर टीम की तरफ से हम पूरा प्रे करेंगे, एंड वी आर विद यू। वो जो एक
अनोन पर्सन है जो आपके नाम से इतना फुटेज खा रहा है, ऐसे लोगों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं ऋतु आचार्य, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमसे मिली अपडेट को जानते रहिए। नमस्कार।